Good morning, students. Welcome you all to today's revision class. Students, as we know that today is Saturday and we are doing the revision of the topic that we have done this week. कौन सा चैप्टर किया बेटा हमने दिस वीक? रंगास मैरिज. ये आपका चैप्टर थर्ड है ऑफ स्नैपशॉट्स. आपकी बुक स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर है ये. और इसके राइटर कौन है? मस्ती वेंकटेशा अयंगर. और हम मस्ती वेंकटेशा अयंगर को वी कैन राइट अयंगर ऑल्सो. ओके बेटा, सो रंगास मैरिज, वट इज स्पेशल अबाउट दिस चैप्टर? दिस इज अ चैप्टर अबाउट रंगा. द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर इज रंगा. जो रंगप्पा है वो इसका मेन कैरेक्टर है. और ये जो चैप्टर है, दिस इज बेस्ड अपॉन हाउ द मैरिज ऑफ रंगा इज पॉसिबल. और वो पॉसिबल कैसे हुई है बेटा? ड्यू द एफर्ट्स ऑफ नरेटर. तो इसमें मेन जो हमारा वेन्यू है, मतलब कि किस जगह की ये बात है, साउथ इंडियन स्टोरी है बेटा ये. फ्रॉम द स्टार्टिंग इट इज द प्लॉट इज बेस्ड ऑन साउथ इंडियन फैमिलीज. और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. That manipulates to get a young boy married to an 11-year-old girl in a village by the narrator. कैसे narrator रंगप्पा की शादी करवाता है 11 साल की लड़की रत्ना से. And the story dates back to the early days of the British rule where English was not used in a big way. तो बेटा ये कहाँ की कहानी है? ये होशाली नामक गांव की. जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो राइटर बताता है कि कैसे होशाली नामक एक गांव है जिसका किसी मैप में चित्रण नहीं है, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज अ स्मॉल विलेज ऑफ मैसूर स्टेट. और कैसे होशाली की कई चीज़ें बड़ी फेमस है, जैसे वहाँ के खट्टे आम, वहाँ के क्रीपर की बेल जिन पत्तों पर खाना परोसा जाता है. तो देर आर मैनी थिंग्स. लेकिन जो लोग होशाली में रहते हैं वो होशाली से बहुत प्यार करते हैं. और इसी तरह वो होशाली के कुछ कैरेक्टर्स की बात बता रहा है. एक मेन कैरेक्टर वहाँ पर एक अकाउंटेंट रहता बेटा. अकाउंटेंट का एक बेटा है जिसका नाम है रंगप्पा. रंगा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, रंगा. रंगा किसका बेटा है? अकाउंटेंट का. तो इन दोज डेज, दैट वाज द डेज वेयर इंग्लिश वाज टेकन टू बी अ वेरी व्हाट डू यू से दैट वेरी एलीट लैंग्वेज. के मतलब ऐसा लोगों को बहुत क्रेज होता था क्योंकि इंग्लिश बहुत कम लोग पढ़ते थे. और अगर कोई इंग्लिश पढ़ता था तो वो बहुत एक अट्रैक्शन पॉइंट होता था. तो अकाउंटेंट ने अपने लड़के रंगा को इंग्लिश पढ़ने के लिए भेजा कहाँ पर? बैंगलोर. और बैंगलोर की एक बैंगलोर से जब वो इंग्लिश पढ़कर 6 महीने बाद आता है तो लोग हैरानी से उसको देखने इकट्ठे हो जाते हैं पूरे गांव के, कि व्हाट इज बीइंग स्पेशल अबाउट रंगा. बट वो लोग हैरान देख के बड़े मायूस भी हो जाते हैं बिकॉज नथिंग इज स्पेशल अबाउट रंगप्पा, क्योंकि वो बिल्कुल पहले जैसा सेम दिखता है, उसमें कुछ ऐसी स्पेशलिटी नहीं आई इंग्लिश पढ़ के. तो वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं. लेकिन जब वो श्यामा कौन है बेटा? नरेटर. नरेटर का नाम क्या है? श्यामा. जब नरेटर देखता है कि रंगप्पा इतना सिंपल सा है और इंग्लिश पढ़ती भी, और उसमें इतने संस्कार है, वो नमस्कार बहुत अच्छी तरीके से करता है. तो इसमें मेन बेटा हम कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं. एक रंगा है, एक रत्ना है. रत्ना कौन है बेटा? जब वो रंगा को देखता है नरेटर, तो वो सोचता है कि मैं इसकी शादी बहुत अच्छी लड़की से करवाऊंगा बिकॉज दैट इज़ अ वेरी गुड बॉय. तो उसी की नोन में एक रामा राव हैं, वहीं पर ही रहते हैं वैशाली गांव में, जिनकी भतीजी है रत्ना. रत्ना के पेरेंट्स किसी दुर्घटना में मारे जा चुके हैं तो वो रामा राव के पास आकर रहने लगी है. रत्ना जो है एक शहरी लड़की है जो 11 साल की है. कितने साल की बेटा? 11 ईयर्स की है रत्ना. और वो बहुत अच्छी सिंगर है, वो बहुत अच्छा गाती है और वो शहर के मैनर्स से पूरी तरह वेल एक्वेंटेड है. तो उसको लगता है कि रंगा के लिए इससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती. पर रंगा की बातों से उसको पता चलता है नरेटर को कि रंगा का मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो किसी छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता. ही वॉन्ट्स टू मैरी अ मैच्योर गर्ल दैट सूट्स विद हिम. तो लेकिन जब रामा राव रत्ना को देखता है तो वो मन में ठान लेता है कि इनको दोनों को उसको मिलवा कर ही रहेगा. तो वो क्या प्लान बनाता है? तो इसमें एक और कैरेक्टर आता है बेटा, शास्त्री पंडित जी हैं. तो नरेटर क्या करता है? पंडित जी के साथ साठगांठ कर लेता है और पंडित जी को पूरी पट्टी पढ़ा देता है कि जो जो मैंने बताया तुमने वही वही बोलना है. तो एक दिन क्या होता है, रंगा उसको रास्ते में मिलता है नरेटर को. तो नरेटर कहता है, रंगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है. तो वो तबीयत क्यों नहीं ठीक बताता बेटा? इसका भी एक रीज़न है. वो रंगा और रत्ना की मुलाकात करवाता है नरेटर अपने घर पे, जहाँ रत्ना एक गाना सुना रही होती है और रंगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है उसका गाना देख के. और वो रत्ना इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो. तो जो रंगा है वो अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन नरेटर उसको झूठ बोल देता है कि रत्ना इज़ ऑलरेडी मैरिड. तो वो सुनकर रंगा जो है मायूस हो जाता है. तो बाद में जो है नरेटर उसको एक शास्त्री के पास लेके जाता है, एक पंडित जी के पास, जिनको उसने ऑलरेडी सारी पट्टी पढ़ा रखी होती है. तो पंडित जी उसको
बोलते हैं कि रंगा तुम्हारे स्टार्स बता रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत में कोई ओशीन सागर नाम की लड़की, सागर में मिलने वाली चीज़ के नाम की कोई लड़की आने वाली है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो शायद उसका नाम पच्चीमोस हो सकता है, कमला हो सकता है और रत्ना भी हो सकता है। तो ये सुनकर जो रंगा है वो हैरान जाती है, क्योंकि रंगा को तो रत्ना बहुत अच्छी लगती है, तो वो सोचता है येस शी इज़ रत्ना ऑब्वियसली, लेकिन वो चुप हो जाता है। वो कहता है कि वो उसको बोलता है नरेटर को कि रत्ना तो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन नरेटर फिर दोबारा रामाराव के घर जाने का बहाना मारता है और जाकर अंदर पता करके आता है। वो कहता है नहीं नहीं हाँ मुझे झूठ पता चला था, रत्ना तो अनमैरिड है। तो ये सुनकर जो है रंगा बड़ा खुश हो जाता है, और इस तरीके से जो नरेटर है वो रंगा और रत्ना की शादी करवा देता है, क्योंकि हमें कहानी बेटा यहीं तक ही बताई है इन दिस चैप्टर, और इसके बाद सीधा कुछ सालों बाद की कहानी शुरू की है जहाँ पर रंगा इसको इन्वाइट करने आता है नरेटर को अपने घर डिनर पे, क्योंकि उसके बेटे श्यामा का बर्थडे है। अब देखो रंगा और रत्ना की मैरिज हो चुकी है और उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है, श्यामा। श्यामा किसका नाम था बेटा, नरेटर का। तो यानी ये उस टाइम इंग्लिश कस्टम था कि जब कपल के कोई बच्चा होता था तो वो उसी के नाम पे अपने बच्चे का नाम रखते हैं जिसको उन्होंने कपल को मिलवाया था। तो क्या होता है, तो रामा जो उनकी मैरिज पॉसिबल किसकी वजह से होती है, नरेटर की वजह से, तो अपने बेटे का नाम श्यामा रख देते हैं। तो नरेटर उनके घर डिनर करके आता है और वो श्यामा को एक प्यारी सी लुंगी पहनाता है, और इस तरह ये कहानी जो है एंड हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द मैच मेकिंग इज पॉसिबल बिटवीन रंगा एंड रत्ना। इसका हम जो थीम है मेन, इसका थीम बेटा यही रहेगा द मैरिज, हाउ द नरेटर on one side he depicts the life in an Indian village and one side he just depicts how the marriage is made possible between Ranga and Ratna। कहने के लिए रत्ना एक चाइल्ड है, फिर भी वो रत्ना रंगा से उसकी मैरिज कराने में सफल हो जाता है, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी गुड गर्ल, और कैसे रंगा उससे शादी करता है और बाद में उनकी कैसे हैप्पी मैरिड लाइफ रहती है। सो ऑल इट इज टोल्ड इन द चैप्टर रंगास मैरिज। क्लियर बेटा, तो हमने आज इसका एक रिकैप्चुलेशन लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। और आपका बेटा आई एम जस्ट गिविंग यू एक होमवर्क ऑल्सो, आपने क्या करना है, दैट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड होमवर्क है आपका, यू हैव टू राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ रंगा। किसका कैरेक्टर स्केच लिखना है आपने बेटा, रंगप्पा का, रंगा का कैरेक्टर स्केच आप लिखेंगे। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्लास and the question answers of this chapter I will send you in next video। Thank you class।